रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट माइम में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बी फार्म डी फार्म फर्स्ट ईयर का। थैंक यू। सीएसटी स्टेशन मुंबई, समय रात 9:30। कृपया ध्यान दें, दो नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। योर अटेंशन प्लीज, अ थ्रू ट्रेन विल बी पासिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप सेफ डिस्टेंस। बाजी, ट्रेन कब आएंगी? हम घर कब पहुंचेंगे? मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाएंगी, फिर हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। हेलो पापा, आप घर कब आएंगे? हमारे लिए चॉकलेट लाना। हाँ बेटा, मैंने चॉकलेट ले ली है, बस अभी थोड़े ही देर में घर आ जाऊंगा। जंग तो चंद राज होती है, जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। सन्नाटे की गहरी छाँव, खामोशी से जलते गाँव, ये नदियों पर टूटे हुए पुल, धरती घायल और व्याकुल, ये खेत बमों से झुलसे हुए, रस्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समां, ये जलते घर ये काला धुआं, ये जलते घर ये तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए।
बेचारी, गलियों में फिरती बीमारी, ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँ करोना रातों में, मुर्दा बस्ती मुर्दा है नगर, चेहरे पत्थर है दिल पत्थर, चेहरे पत्थर है मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, पर पुनकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर, कब तक नफरत का ये अजगर, इस सरहद पर पुनकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर, हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूक बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, आखाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, आखाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, और उस दिन मेरा भी वतन तेरा भी वतन, तेरा भी वतन मेरा भी वतन, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे
हमें एक घर बनाना था ये हम क्या बना बैठे, हमें एक घर बनाना था ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे, और परिंदों में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। दोस्तों, आतंकवाद, आतंकवाद का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ हैवानियत के मजहब को मानने वाले लोग हैं और हैवानियत का ही काम करते हैं। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो कि एक एकता का प्रतीक मुल्क है, यहाँ पर, यहाँ अगर हिंदू भाइयों को कोई दुख या कोई तकलीफ होती है तो उसका दर्द मुसलमान भाइयों को होता है। इसी तरह जब मुसलमान भाई को कोई तकलीफ या दर्द होती है तो उसका दर्द जो है हिंदू भाइयों में भी नज़र आता है, क्योंकि यहाँ जीसस बसता है, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर मज़हब हर कौम का इंसान बसता है, और जीते हैं लोग यहाँ सिर्फ प्यार की खातिर, और जीते हैं लोग यहाँ सिर्फ प्यार की खातिर, यहाँ हर एक के दिल में हिंदुस्तान बसता है, यहाँ हर एक के दिल में हिंदुस्तान बसता है। सलातर मगाता इमोशनल होना।